गायत्री कॉलेज सांचूर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीए सेकंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हमारे विचारक रूसो का अध्ययन कर रहे हैं और आज की कक्षा में हम रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वो है सामान्य इच्छा। लेकिन सामान्य इच्छा तभी समझ में आ सकती है जब रूसो के हम सामाजिक समझौते को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इसलिए हमारी पिछली कक्षा में हमने रूसो के सामाजिक समझौते से संबंधित अध्ययन किया। अब देखो, आज समझेंगे सामान्य इच्छा अर्थात जनरल विल क्या होती है। देखो, व्यक्ति समझौते द्वारा समुदाय के लिए अपनी शक्ति का जो परित्याग करता है, हम सभी को पता है ना, रूसो के हमने जो सामाजिक समझौते को अध्ययन किया है उसमें पढ़ा है, उसमें क्या था कि जिस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में वर्ग विभेद, गरीब अमीर, स्वामी और दास के मध्य जो संघर्ष चल रहा है और उस संघर्ष से जो एक प्रकार से अराजकता की स्थिति बनी हुई है, एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, इस असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण किया गया। ये अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन मानव समाज के लिए किए गए। अब समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। ये हमने अच्छे ढंग से समझा था। तो सभी व्यक्ति अपने अधिकार का जो परित्याग है वो किसी एक व्यक्ति के लिए न करके किसके लिए करते हैं, मानव समाज के लिए करते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति है वो समझौते के द्वारा समुदाय अथवा समाज के लिए अपनी शक्ति का जो परित्याग करता है उसे उसकी व्यक्तिगत इच्छा के स्थान नहीं स्थान पर किसका जन्म होता है, सामान्य इच्छा। क्योंकि देखो, व्यक्तिगत इच्छा वो केवल अपनी व्यक्तिगत होती है, उसका समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो सामान्य इच्छा होती है उसका संपूर्ण समाज के लोगों का साथ होता है, सभी समाज के लोग उसमें मिलकर उसमें अपना योग देते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्पष्ट किया था कि जब सामाजिक समझौता होता है तो ये कहते हैं कि ये जो सामान्य हमारी जो विशेषता इच्छाएँ होती है ये प्राय दो प्रकार की होती है। एक होती है यथार्थ इच्छा और एक होती है आदर्श इच्छा। एक यथार्थ इच्छा, दूसरा आदर्श इच्छा। अब ये जो यथार्थ इच्छा होती है वो आत्मप्रेम, स्वकेंद्रित या स्वार्थ पर केंद्रित होती है। ठीक है, पहले देखते हैं यथार्थ इच्छा क्या होती है। देखो, रूसो कहते हैं कि यथार्थ इच्छा मानव इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि हो। कहने का तात्पर्य, जो वास्तविक इच्छा है, जो व्यक्ति अपने मन में सोचता है, मन में तय करता है कि मुझे मेरे इन स्वार्थों की पूर्ति करनी है, मेरे इन हितों की पूर्ति करनी है, तो यथार्थ इच्छा होती है वो इच्छा कहलाती है जिसका जो लक्ष्य होता है वो व्यक्ति के स्वार्थों के पूर्ण करना होता है और जो स्वयं व्यक्ति में ही केंद्रित होती है, उसका समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। अर्थात इसमें सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है, व्यक्तिगत हितों की प्रबलता होती है, सामाजिक हितों की इसमें उपेक्षा होती है। आई बात समझ में? इसलिए यथार्थ इच्छा मतलब स्व केंद्रित, अपना हित स्वार्थ देखकर काम करना, वो कहलाती है यथार्थ इच्छा, जो हर एक व्यक्ति में होती है इस प्रकार से। इसलिए डॉक्टर आशीर्वादन कहते हैं कि ये व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक और तुच्छ इच्छा है, यह संकुचित और स्व विरोधी है। क्योंकि देखो, जो स्वार्थ होता है उसका मैं अपना हित देखा जाता है, भले ही अगले व्यक्ति का, समाज का, वो बहुतों का हनन क्यों न करें, इसलिए इसको उपयुक्त नहीं मानते हैं। इसलिए आशीर्वाद कहते हैं कि ये समाज विरोधी इच्छा होती है, क्योंकि समाज में सर्व कल्याण की बात होती है और जबकि व्यक्ति की इच्छा में इस प्रकार की सर्व कल्याण की बात नहीं होती है। और ये क्षणिक है, तुच्छ स्वार्थ है, जो कुछ समय के लिए होता है, बाद में समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको संकुचित भी उन्होंने स्पष्ट किया है। बात समझ में आई? यह है यथार्थ इच्छा। दूसरी है आदर्श इच्छा। आदर्श इच्छा क्या होती है? रूसो ने बताया है कि आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। आदर्श इच्छा होती है वो हमारी मानव की वह इच्छा होती है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। व्यक्तिगत हितों की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
संपूर्ण समाज के कल्याण की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको समझना है। इसलिए इस इच्छा के अनुसार मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न अंग मानता है। जब आदर्श इच्छा है तो उसमें संपूर्ण समाज के कल्याण की बात होती है, तो इस इच्छा के अनुसार मानव स्वयं के हित को पीछे रखता है और सामाजिक हित को आगे रखता है, अर्थात स्वयं के हित का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य करता है या उसको अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करता है, तथा संपूर्ण समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए अपने विचार करता रहता है। वहां पर स्व केंद्रित स्वार्थ की बात नहीं आती है, यहां केवल प्रार्थ की बात, सहानुभूति और सबके कल्याण की बात शामिल है। आई बात समझ में? ये होती है आदर्श इच्छा, मतलब बहुतों की इच्छा, बहुतों के कल्याण की इच्छा, ये है आदर्श इच्छा। अब सामान्य इच्छा है वो मानव की आदर्श इच्छाओं का योग है। आप समझ सकते हैं कि जो सामान्य इच्छा है वो मानव की आदर्श इच्छाओं का योग है, अच्छाइयों का योग है, सबके कल्याण का योग है, और ये हमें जब आदर्श इच्छा में दिखता है तो सामान्य इच्छा ही हमारी आदर्श इच्छा है। बात समझ में आ गया आपको? अर्थात सामान्य इच्छा मानव की वह श्रेष्ठ भाग है जो संपूर्ण समाज के आवश्यक रूप से हितकर होती है। बात समझ हुई ना कि सामान्य इच्छा है वो मानव की वह श्रेष्ठ भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप से हितकर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आदर्श इच्छा ही हमारी सामान्य इच्छा है, क्योंकि आदर्श इच्छा में सभी मानव समाज के लोगों के हितों के कल्याण की बात होती है, और आदर्श इच्छा में इसी बात को लेकर आगे बढ़ा जाता है। इसलिए ग्रीन कहते हैं कि सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना के रूप में इसे सामान्य इच्छा को व्यक्त करते हैं, अर्थात सामान्य इच्छा सामान्य हित या संपूर्ण समाज में निहित होती है। बोसा के भी यही कहते हैं कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि करना है। ये बोसा के कहते हैं। जर्मेनो दांते भी कहते हैं कि समुदाय की श्रेष्ठ भावना, समुदाय की श्रेष्ठ भावना क्या है? सामान्य इच्छा। तो आप समझ सकते हो कि सामान्य इच्छा वो सर्वोपरि इच्छा होती है जिसमें सब कुछ मानव कल्याण की बात समाहित होती है। अब रूसो कहते हैं कि जो सामान्य इच्छा है इसके दो अंग हैं, एक है सामान्य व्यक्तियों की इच्छा, दूसरा है सामान्य हित पर आधारित इच्छा। सामान्य व्यक्ति इच्छा मतलब सभी लोगों की इच्छा, और एक सामान्य हित मतलब सबके हितों पर आधारित एक इच्छा, ठीक है। इसलिए सामान्य हित पर जो आधारित इच्छा है उसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। रूसो के इस संबंध में कथन है कि मतदाताओं की संख्या से कम तथा उस सामाजिक हित की भावना से अधिक सामान्य इच्छा बनती है जिसके द्वारा वे एकता में बनते हैं। इसको स्पष्ट किया है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये जो सामान्य इच्छा है इसका निर्माण कैसे होता है, सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है इसको अपन स्पष्ट करते हैं। देखिए रूसो के अनुसार ये समझते हैं कि माना कि हम सबकी इच्छाओं से चलते हैं, हम सबकी इच्छाओं से चलते हैं और सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। हम सब मानव समाज की इच्छाओं से चलते हैं तब हम किस पर पहुंचते हैं? एक सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। जब कभी जनता के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है, कोई भी हम सभी जनता के सामने कोई भी प्रश्न उपस्थित हो गया, कोई भी समस्या आ गई, कोई भी चुनौती आ गई, तो जनता का प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न पर व्यक्ति के दृष्टिकोण से विचार करता है। अब कोई भी जो जनता के सामने कोई भी समस्या आई है, कोई प्रश्न पैदा हुआ है, तो जनता क्या करेगी? जनता में जो भी हमारे व्यक्ति शामिल है, प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न का व्यक्तिगत तौर पे विचार करता है, व्यक्ति के दृष्टिकोण से अपना विचार करता है। और ऐसा समाज कल्पना करिए, यदि ऐसा समाज सभ्य है, सुसंस्कृत है और उसमें नागरिकता की भावना है, तो विचारों के आदान प्रदान से इस प्रक्रिया में व्यक्ति की स्वार्थ में इच्छा एक दूसरे की इच्छाओं को नष्ट कर देती है। अब सोचो कि कोई भी प्रश्न उपस्थित तो हो गया है और सभी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर उस समस्या के बारे में, प्रश्न के बारे में अपना विचार करते हैं, लेकिन रूसो कहते हैं कि अगर वो समाज पढ़ा लिखा है, सभ्य है, सुसंस्कृत है, उसमें नागरिकता का भाव है, तो सभी लोग आपस में अपने विचारों को क्या करेंगे? आदान प्रदान कर देंगे। विचारों में आदान प्रदान होगा, विचारों का एक प्रकार से एक सामंजस्य बैठेगा, एक विचारों के से अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। तो इस प्रक्रिया से क्या होगा कि व्यक्तियों की जो भी स्वार्थ में इच्छा होती है ना, वो सब नष्ट हो जाती है, और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक किसका जन्म होता है? एक सामान्य इच्छा का जन्म होता है।
किसका? एक सामान्य इच्छा का जन्म होता है। पारंपरिक वाद विवाद के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की इच्छाएं पुरस्कृत हो जाती हैं। अब जब ये वाद विवाद होगा तब तर्क वितर्क कई अन्य प्रकार के आयामों विचारों से जो भी इच्छाएं हैं वो शुद्ध हो जाएगी, पुरस्कृत हो जाएगी, साफ हो जाएगी और उनकी इच्छा का जो सर्वोत्तम रूप है वो प्रकट होगा। उनकी इच्छाओं का क्या होगा? सर्वोत्तम रूप होगा, वो प्रकट होगा और वो ही क्या कहलाता है? सामान्य इच्छा। वो ही क्या कहलाएगी? सामान्य इच्छा। तो ये है, इस प्रकार से हम रूसो ने स्पष्ट किया है कि सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। स्पष्ट हो? अब हम समझेंगे सामान्य इच्छा की क्या क्या विशेषता है। सामान्य इच्छा की क्या क्या उन्होंने विशेषता स्पष्ट की वो हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये बताया है कि सामान्य इच्छा नागरिक समाज का महत्वपूर्ण अनिवार्य अंग है, महत्वपूर्ण अनिवार्य अंग है, इसके बिना तो समाज बन ही नहीं सकता। दूसरा, इन्होंने सर्वोच्च व निरंकुश बताया, जनता से ऊपर कुछ नहीं होता है, इससे ऊपर कोई किसी प्रकार के किसी सत्ता का उन्होंने आविर्भाव नहीं बताया है, इसलिए उसको सर्वोच्च और निरंकुश बताया। तथा उन्होंने इसे अखंडता, अर्थात सामान्य इच्छा की एकता में भिन्नता होती है किंतु विवेकयुक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का आत्मविरोध नहीं होता है। रूसो कहते हैं कि सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर करती है, इसलिए इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तथा ये अदेह है, अदेह मतलब ये किसी को हस्तांतरित भी नहीं की जा सकती, किसी व्यक्ति को ट्रांसफर भी नहीं की जा सकती, ठीक है, ना तो इसका विभाजन होता है और ना ही किसी व्यक्ति को हस्तांतरित की जा सकती है, क्योंकि रूसो को पता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपासक है। किसका? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपासक है, जिसमें सभी जनता उसमें भाग लेती है, इन्वॉल्व होती है और जिसमें व्यक्ति स्वमेव अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, सभी व्यक्ति अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, इसलिए अदेय बताया है। तथा साथ ही बताया अविच्छेदता, अविच्छेदता मतलब इसे प्रभु सत्ता से अलग नहीं किया जा सकता, इसे अलग नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते। प्रभु सत्ता सामान्य इच्छा में निहित है, तो हम सभी को पता कि सर्वोच्च शक्ति वो किसमें निहित है? सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा मतलब हम सभी लोग, और वह इसका प्राण है। किसका? प्रभु सत्ता है, वो सामान्य इच्छा में निहित है और इसका प्राण है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर में उसके प्राण को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है, वैसे भी प्रभु सत्ता को सामान्य इच्छा से अलग नहीं किया जा सकता और नहीं संभव है। तो आप समझ सकते हैं प्रभु सत्ता और सामान्य इच्छा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अलग अलग नहीं कर सकते, इनको अलग तरीके से विच्छेद भी नहीं कर सकते, ये आपको अच्छे ढंग से समझना है। फिर उन्होंने बताया सर्वोच्च निरंकुश, मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि सामान्य इच्छा सर्वोच्च निरंकुश है, इस पर देवीय प्राकृतिक या परंपरागत नियमों का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, ये किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अधिकारों से भी नियंत्रित नहीं होती है, सभी के द्वारा सामान्य इच्छा का पालन किया जाना चाहिए, इसकी कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता, स्पष्ट तौर से ही बताया इन्होंने। अगला बताया ये स्थाई है, सामान्य इच्छा है वो एक स्थाई है, सामान्य इच्छा किसी प्रकार के भावात्मक आवेशों या आवेगों या सन का परिणाम नहीं होती है, अपितु मानव के जन कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। यह कोई सनकपन नहीं है या कोई भाव या आवेश में आपके हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है, बल्कि हमारे मानव कल्याण के लिए एक स्थायी प्रवृत्ति और हमारी बुद्धि और विवेक के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का जन्म हुआ है, इसलिए ये स्थायी है, अस्थायी नहीं है। इसलिए लॉर्ड कहते हैं कि वह न तो सार्वजनिक आवेश की आंधियों में मिलती है और न ही राजनीतिज्ञों को बहकावे वाली बातों में, स्पष्ट तौर से इन्होंने बात को उल्लेख किया। अगला है ये लोक कल्याणकारी है, लोक कल्याणकारी क्यों? क्योंकि आपको पता सभी को कि सामान्य इच्छा है वो व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होता है और जो आदर्श इच्छाएं होती है वो सबके कल्याण का मार्ग होती है, सबके कल्याण को लेकर चलती है और व्यक्तियों की ये आदर्श इच्छा जन कल्याण से प्रेरित होती है, अतः सामान्य इच्छा का लक्ष्य सदैव ही संपूर्ण समाज का कल्याण करना होता है, इसलिए ये लोक कल्याणकारी है। अगला है विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा। देखिए ये जो इच्छा है ये किसी प्रकार की भावनाओं पर नहीं, वरन तर्क और विवेक पर आधारित है, तर्क और विवेक पर आधारित है। रूसो कहते हैं कि सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण एवं न्याय संगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी होती है, इसलिए इसको हम बिल्कुल नकार नहीं सकते,
इसलिए सामान्य इच्छा सदैव विवेकपूर्ण न्याय संगत ही होती है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि सामान्य इच्छा की क्या क्या विशेषता है। अब देखो हमारे कुछ राजनीतिक विश्लेषक आलोचक हैं, उन्होंने सामान्य इच्छा की आलोचना भी की है, तो वो भी समझ लीजिए। अब आलोचना ये हुई है कि ये जो सामान्य इच्छा है वो अस्पष्ट और अव्यवहारिक है। अस्पष्ट और अव्यवहारिक है कैसे, वो बताते हैं कि रूसो का जो सामान्य सिद्धांत अस्पष्ट अव्यवहारिक है। स्वयं रूसो इस संबंध में पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है कि वे अपने ग्रंथ सामाजिक समझौते अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस संबंध में अपनी विभिन्न तथा परस्पर विरोधी बातें करता है। वेपर कहते हैं कि जब रूसो ने हमें सामान्य इच्छा का पता ही नहीं दे सकते कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन का लाभ ही क्या हुआ है, रूसो ने हमें एक ऐसे अंधकार में छोड़ दिया जहां हमें सामान्य इच्छा के बारे में अच्छी तरह से सोच भी नहीं सकते, ये वेपर का कहना है। दूसरे उन्होंने बताया कि जो यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा है इसका भेद है वो काल्पनिक है। कैसे, यथार्थ इच्छा व्यक्तिगत इच्छा होती है, आदर्श इच्छा समाज की इच्छा होती है। अब हॉब हाउस क्या कहते हैं कि यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का अंतर व्यवहार में सही नहीं होता है, मानव में सदैव व्यक्तिगत स्वार्थ और लोकहित दोनों की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उन्हें एक दूसरे से कैसे अलग कर सकते हैं। हमारे अंदर हमारे मन में इस प्रकार का भाव होता है कि कुछ हम हमारे स्वार्थ के बारे में सोचते हैं और कुछ हम प्रार्थ अर्थात दूसरों के कल्याण लोकहित के बारे में सोचते हैं, तो दोनों ही विचार जब हमारे एक हमारे मस्तिष्क में आते हैं तो उसको हम अलग अलग कैसे समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये जो भेद किया वो काल्पनिक है। सामान्य हित की व्याख्या है वो संभव है ही नहीं। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि सामान्य इच्छा का जो विचार है वो सामान्य हित पर आधारित है। अब सामान्य हित की परिभाषाओं का प्रयास लहरों को मुट्ठी में बांधने की जैसा है। किसी कार्य को करने से पूर्व ये कैसे कह सकते हैं कि अमुक कार्य का परिणाम जनकल्याण ही होगा। इसलिए मान लो कहते हैं कि रूसो ने पूरी बहस में अपना समय नष्ट कर दिया गया। सामान्य हित को इनको समझना एक साथ बहुत मुश्किल है। फिर अगली जो आलोचना बताई है वो है निरंकुश व अत्याचारी राज्य का पोषण। देखिए एक विशेष समय पर इच्छा क्या है ये निश्चित करने की शक्ति रूसो शासक को सौंप देता है, पर समझो यदि शासक दुराचारी है तो वे अपने स्वार्थ को ही सामान्य इच्छा के रूप में दे सकता है। अपने स्वार्थ को ही वो तो सामान्य इच्छा के नाम दे सकता है कि ये तो सामान्य इच्छा है, तो फिर वो निरंकुश और फिर जो चाहे वो कर सकता है। इस प्रकार से उस पर पूरे सत्ता सौंपना ये भी गलत है। इसलिए WT जॉन्स कहते हैं कि रूसो के सामान्य इच्छा विषय सिद्धांत में कुछ ऐसे अस्थिर तत्व हैं जो उसे जनतंत्र के समर्थन से हटाकर निरंकुश शासन के समर्थन की ओर ले जाते हैं। डायड भी यही कहते हैं कि रूसो सामान्य इच्छा के आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन तथा समर्थन करते हैं। ठीक है, फिर अगली जो है आलोचना वो है कि प्रतिनिधि प्रजातंत्र में संभव नहीं। रूसो का विचार है कि सामान्य इच्छा का या सामान्य इच्छा की सिद्धि के लिए सभी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभुसत्ता का प्रयोग में सक्रिय भाग लिया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान में प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्रों में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बड़ी है, राज्य बड़े हैं, सभी लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इसलिए आज के समय में पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं हो सकता है, क्योंकि आज के समय में वर्तमान में सभी प्रकार से प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र ही विद्यमान है और यही चल रहा है। फिर भी आलोचना होते हुए भी इस विचार को हम नकार नहीं सकते, कुछ उसका भी महत्व है। तो देखिए क्या क्या महत्व है। रूसो की सामान्य इच्छा प्रजातंत्र का प्रतिष्ठाक है। उसका विश्वास है कि सत्ता का आधार जन सहमति है, जनता की इच्छाएं सर्वोपरि है, विधि निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष सहयोग वांछित है, सरकार सतत रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए, जो आज के समय में हर लोकतांत्रिक सरकार चाहती है। तो इस प्रकार का जो हमें भाव मिलता है ये रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत में दिखाई देता है, इसलिए हम इसको नकार भी नहीं सकते। अगला बताया कि सामान्य इच्छा के सिद्धांत राष्ट्रवाद का प्रेरक सिद्धांत है। इसमें जीवन में समता, स्वभाव, एकता, साहचर्य, समर्पण, आत्मीयता और सम्मान की भावना विद्यमान है, जो कि बेहद जरूरी है, इससे भी हम प्रेरित होते हैं। सामान्य इच्छा का सिद्धांत फ्रांस की क्रांति का प्रेरक विचार। आपको पता है नेपोलियन खुद कहते थे कि अगर रूसो ने होते तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो संदेश दिया है और जो विचार दिए हैं ये फ्रांस की क्रांति में एक प्रेरक के रूप में भूमिका निभाई थी। तो सोचिए आज भी जितनी भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो भी फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेती हैं, तो क्या हम इनके महत्व को कम आंक सकते, बिल्कुल भी नहीं।
इस सिद्धांत में व्यक्ति और सामाजिक हित दोनों को प्रधानता दी गई है। सामान्य इच्छा के सिद्धांत में व्यक्ति और सामाजिक दोनों को प्रधानता दी गई है, ये भी हमें समझना जरूरी है। यह सिद्धांत व्यक्ति तथा समाज में शरीर तथा उसके अंगों के समान संबंध स्थापित करके सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ करता है तथा यह भी प्रतिपादन करता है कि राज्य एक स्वाभाविक अनिवार्य संस्था है और राज्य ही सामान्य इच्छा को क्रियात्मक रूप देने का साधन है। ये बात भी अच्छे ढंग से उन्होंने स्पष्ट किया, इसलिए कह सकते हैं कि सामान्य सिद्धांत का बेहद महत्व भी है और हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक सरकार इससे बेहद प्रभावित भी है। ये था रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धांत।